हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हाउ सऊदी किंग ट्रैवल्स विद स्टाइल। एंड सऊदी किंग के पास, हमें तो पता है, शेखों के पास बहुत पैसा होता है एंड लाइक इनके पास बहुत 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 पैसा है। सो लाइक अब वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं स्टाइल के साथ, इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। और हम भी देखने के लिए एक्साइटेड है कि कितना उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो करते हैं। मेरे ख्याल से मतलब क्या ही होगा, कार और अच्छी कार होगी, ये होगा बस, मतलब क्या ही हो सकता है, लाइक एक हेलीकॉप्टर होगा, हाँ शेर वेर हो सकते हैं, वही चीजें होंगी। तो देखिए कुछ यूनिक होता है तो वो चीज देखने लायक होगी, तो फिर देखते हैं। और हम लोगों ने एक शायद सऊदी अरेबिया की वीडियो देख रखी है, जहाँ पे सऊदी की या फिर कहीं और की देखी है वीडियो, जहाँ पे उनकी बेसिकली काफ़ी लग्जूरियस लाइफ दिखाई है वहाँ के प्रिंस की। आई थिंक सऊदी की देख रखी, तो हम लोगों ने देखा कि उनके पास बिल्कुल उनकी कितनी अच्छी कलेक्शन है कार्स की। उनके पास विंटेज कार है और इनके पास यॉक है, मतलब बहुत कुछ है उनके पास। तो हम लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक्ड हो गए थे कि यार ये ऐसे कितना है उनके पास कुछ। और फिर उनके पास शेर है, ये है, घर है, बहुत कुछ था। वो शायद तीन भाई थे, ऐसा था सीन। और आज हम इनके बारे में देखने वाले हैं। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि सिर्फ इनके पास सिर्फ गाड़ियाँ, ये शेर वेरी होगी, ऑब्वियसली उनके पास शीप वगैरह कुछ तो होगी ही होगी, आई एम डैम श्योर। मैं तो उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपए के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास दो बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए हैं। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। अच्छा, उनके पास अलग है। 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 506,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी दो प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लिमोजिन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी। और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी सुइट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5-स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था।
किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। ना सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के दो सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम अलग ही रुतबा है भाई का भाई। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। इतना ज्यादा खर्चा और ताम जाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सीढ़ियां उतरना वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के फोर सीजन होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही फोर सीजन्स होटल को पूरा गोल्डन कर दिया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेयर ट्रैक्स भी सऊदी से मंगवाए गए। बात यहां तक पहुंच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी और सीरियसली लाइक मैंने तो आज तक इतना मतलब अमीर आदमी ऐसे मतलब अमीर गिरी नहीं देखी है। लाइक ये जहाँ भी जाते हैं अपने साथ अपने पूरे महल को ले जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने गोल्डन कलर से। जब ये वाशिंगटन डीसी गए तो वहाँ पर उन्होंने अपने पूरे बेसिकली होटल के जो भी पूरा होटल था उसका गोल्डन कलर कर दिया और मैं इसको सुनकर ना बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो गई थी। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए फनी यही था जो एस्केलेटर उन्होंने लगाया था वो गोल्ड बिल्कुल गोल्ड का था, प्योर गोल्ड का था और जब वो खराब हो गया लाइक मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि लाइक आप मतलब ऐसे कि ये गोल्ड का एस्केलेटर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन उनके पास इतना पैसा है तो ये ऑब्वियसली उड़ाएगी ही। और फिर उसमें ये बोला कि ताकि किंग के पैर जमीन पर ना लगे इसलिए कारपेट लाई थी लाल लाइक वो चीज़ मेरे को बहुत ही ऐसी लगी कि यार इतना कितना और उनके जो प्लेन थे वो मतलब वैनिटी वैन सबकी होती है लाइक तुम्हारे सेलिब्रिटी की भी होती है उनका तो लेकिन पूरा प्लेन ही वैनिटी है। और मतलब तुम्हारा ऐसा लग रहा था कि पूरा महल ही है प्लेन तो रही ना। और अगर मुझे ऐसे प्लेन मिल जाए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस प्लेन में काटने के लिए तैयार हूँ और बहुत ही लग्जूरियस था। और उन्होंने जब बोला कि इनकी 3 दिन की फ्लाइट थी उसमें 22 करोड़ का खर्चा आया तो लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं था। और मैं ऐसे थी कि भाई 22 करोड़ का खर्चा था इतना ही था यार प्लीज़ आप मुझे दे देते मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 22 करोड़ में आराम से लगा दे बिता देती लाइक लिटरली सारा ध्यान रखने का काम होगा ना उन्होंने सब के सबने जहर भी लिया उसी टाइम मर गए। उनको पता है उससे ज्यादा उनको मारा जाएगा पीटा जाएगा और उनकी हालत बहुत खराब की जाएगी क्योंकि ये तो भाई वो पता ही लग रहा था कि वो एक एक कदम चल रहे थे ना उतना उनको गुस्सा आ रहा होगा कि मेरा यहाँ पे एस्केलेटर रुक कैसे गया क्योंकि वो सबके सामने हुआ है ये होता ना पीछे कहीं। हाँ और अपने अगर सऊदी अरेबिया में हुआ था तो बात अलग थी कहीं और जा रहे हैं और दूसरे देश में ऐसा हो जाना कितनी बड़ी बात है लेकिन उन्होंने वहाँ पे तो अपना काम रखा है पर पीछे मेरे को लगता है किसी सब बहुत लोगों का काम तमाम किया होगा एंड मेंटेनेंस क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल की रखनी ही पड़ती है। और दूसरी चीज़ यह है कि भाई जिस तरीके से उनकी हर एक चीज़ है लाइक वो एक जगह जाते हैं तो वहाँ पे 100 कार्स उनकी आ जाती हैं तो लाइक वो खुद से ही अपना पूरा ताम झाम करवाते हैं ये नहीं है कि भाई दूसरे के ऊपर बोझ डालते हैं कि तुम करो या तुम मेरे लिए ये सब लेके आओ वो खुद से इतना करते हैं। और फिर ऑफकोर्स सामने वाले भी करते हैं कि वो भी पूरे होटल बुक कर लेंगे इतने दिनों के लिए सब कुछ कैंसिल आउट कर देंगे तो इस तरीके से उनका क्रेज़ है पूरा का पूरा एंड उनका अपना एक ट्रशन है चलने का तैयार। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताएगा इसे लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।